हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आ रखे अपनी गांव की, यहाँ नदी है जो, और यहाँ काफ़ी टाइम बाद आ रहे हम। तो मेरे साथ है विनीत भाई भी। तो आपको बताते जो हमारे गांव में यहाँ रोड बनी है, आज ही तक बनी है, यहाँ नदी नदी बनी है। गांव में तो नहीं जाएगी, पर जितनी भी है वो आपको बताएंगे। और आप लोग देख सकते हो रोड, और ये बहता पानी बिल्कुल शुद्ध, और यहाँ से रोड कटिंग हो रखी है। और यहाँ से देखिए आप देख सकते हो, वहाँ से हमारे गांव का रास्ता है ऊपर से, और हम ठीक उसके नीचे आ रखे हैं। ये रोड जा रखी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काश ये हमारे गांव में जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता। और कई गांव ऐसे है उत्तराखंड में जहां अभी तक रोड नहीं पहुंची है। हमारे गांव में भी रोड है, पर वो कच्ची रोड है। तो आज हम आपको बताएंगे यहां जंगल में रोड कहां तक जा रखी है ऊपर तक। ये बरसात में साफ हो जाएगी, यहां से पता भी नहीं चलेगा यहाँ की रोड थी जब नदी आती है। तो भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई आज तो, क्योंकि यहाँ पहले बहुत झाड़ी थी, रोड बनने से सारी झाड़ी कट गई, जंगली जानवर का भी भय खत्म हो गया, खुला जा सकते हैं। देखो बात की जाए तो पहाड़ों में पानी की कमी नहीं है, पर यह पानी हमेशा बारह मास रहता है, और बिल्कुल शुद्ध पानी, बहता हुआ पानी। ये पानी की लोग क्या कीमत जानेंगे, हमको तो घर में बहुत मुश्किल से पानी लाना पड़ता है। और यहाँ देखिए पानी बहता हुआ, देख सकते हो दोस्तों ये रोड बनी है। और इधर जंगल बहुत बड़ा है, बाघ वाघ का खतरा बहुत है। बाघ तो यहाँ ऐसा है कि मानो कि यहाँ हमने उसको बांध रखा है 24 घंटा। और ये रोड यहीं पे तक बनी है, इससे आगे नहीं बनी। हम पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है काटल, और यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे कभी। वो दिन गए, वो टाइम गया, और यहाँ अभी तक धूप भी नहीं आ रखी है, इतना ठंडा है यहाँ। कुछ इस तरह से दिख रहा है जंगल, और इधर खेती खेते, कभी यहाँ सियार लगते थे, आ सब बांझ हो गया। और उधर से आते आते बहुत थकान लग चुकी है, यहाँ पे अभी थोड़ा बैठ जाते हैं, धूप सेकते हैं। यहाँ पे आ रखी धूप अच्छी वाली, और मेरे पीछे जंगल देख सकते हो आप लोग।
और मुझे साथ में पटाखे भी लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है और जानवर तो पूछे ही मत। तो आप लोग देख सकते हो पटाखे मुझे 24 घंटे रखने पड़ते हैं, और मैं अब पटाखे कर रहा हूँ क्योंकि आगे झाड़ी है बहुत, तो वहाँ सुअर और बाघ भी हो सकते हैं, तो मुझे अभी पटाखा करना है यहाँ पे। व्यू देख सकते हो इतना बढ़िया है। कभी यहाँ पे तालाब हुआ करता था, अभी भी है, और आप लोग झाड़ी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत झाड़ी हो गई। उस तालाब में हम बहुत बार नहा चुके हैं, पर आप झाड़ी हो गए, अब कहीं दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ पे ये पेड़ सूखा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। कर दे झाड़ी भी साफ कर दे। और यहाँ पे पानी जो 12 मास रहता है, कई बार देखा होगा आप लोगों ने ये पानी। और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगा रखा है, यहाँ पे भी है, और इधर अमरूद का पेड़, और ये गाय के लिए बना रखा था पीने के लिए। इसमें पानी नहीं आ रहा, आ तो रहा है, यहाँ से पता नहीं कहाँ जा रहा है। पानी बारिक हो गया, अब बारिश तो हो नहीं रही, और अगर यहाँ अगर बाघ या सुअर भी बैठा हो तो कोई पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे नाव भी हमारे गांव की, यहाँ हमेशा पानी रहता है, पहले हम यहीं से लाते थे पानी। और जो मेरे पास ये डंडा है, ये है बांस का, क्योंकि ये है कट बांस, इसके अंदर छेद नहीं होता है। और एक दूसरा बांस होता है जो ये नीचे है, ये वाला दूसरा है जिसके अंदर छेद होता है, ये वाला होता है जो कट बांस होता है। और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो कैसे बज रहा है, देखो। और इसका रास्ता दूसरा है, और मेरा इधर से। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।